हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती पे और मैं हूँ इश्तियाज आलम। आज हम लोग प्रणाम से फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी ये कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग प्रणाम का मैंने 10 काइंड्स बताया था और इसका ट्रिक बताया था कि प्रणाम का 10 काइंड्स आपको कैसे याद रहेगा। तो मैंने एक वर्ड बताया था प्राइड, मैंने एक वर्ड आपको बताया था प्राइड, एक वर्ड मैंने क्या बताया था प्राइड। पी से टू काइंड्स, पी से टू काइंड्स, पर्सनल और पॉजेसिव, ठीक है। और आर से थ्री काइंड्स, रिसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। और आई से टू काइंड्स, इनडेफिनिट और इंट्रोगेटिव, है ना। और डी से भी टू काइंड्स, क्या जी, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और ई से वन काइंड, क्या, इम्फैटिक। तो पूरा 10 हो गया ना, 10 हो गया ना। तो ये क्या होगा कि एक वर्ड प्राइड है, उससे आपको पूरा नाम याद रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और मैंने पढ़ाया था इसमें रिसिप्रोकल, ठीक है। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। बाकी क्या क्या है पढ़ाना अभी, तो अभी आपको ये 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो होता है क्या है कि किसके बाद क्या पढ़ाना है, आपको क्या समझ में आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझ के पढ़ाते हैं कि आपको इसके बाद क्या समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। और ये दोनों मैच करता है एक दूसरे से, है ना, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ाएंगे तो पढ़ने मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज इम्फैटिक प्रोनाउन, देखते हैं हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन, स्टार्ट करेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन, देखेंगे इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन सुनेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इम्फेसाइज करेगा, क्या करेगा, हाँ, उस पे स्ट्रेस डालेगा, उस पे स्ट्रेस डालेगा। जैसे कि हम लोग कहीं बोलते हैं ऐसे करके, मैंने उसे मारा है, मैंने उसे मारा है, मैंने खुद उसे मारा है, मैं वहाँ गया हूँ, मैं खुद वहाँ गया हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल के बोल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, नहीं अगले पे। मैं जैसे आप लोग बोलते हैं कि ये काम हम किए हैं, ये काम खुद किए हैं, बता दे रहे हैं, तो अगला क्या लग रहा है कि हाँ भाई ये काम आप ही किए हैं, जोर दे के बोल रहे हैं, नहीं एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है, है ना, ये स्ट्रेस डालेगा अगला पे, ठीक है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या क्या आता है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। देखिए जितने भी प्रोनाउन है ना, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, सबका अपना अपना इम्फैटिक फॉर्म बना हुआ है, सबका अपना अपना इम्फैटिक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। जैसे आई है, तो आई का इम्फैटिक फॉर्म क्या होता है, माई सेल्फ, क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं जानेंगे, पहले हम बताते हैं एग्जाम्पल देकर इसका, देखेंगे जैसे माई सेल्फ, ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, यही है ना। ये सब आपका क्या है जी, इम्फैटिक प्रोनाउन है। और इम्फैटिक प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, सेल्फ लगा रहेगा और नहीं तो सेल्फ्स लगा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका भी ट्रिक मेरे पास है, देखेंगे। तो किसी भी प्रोनाउन में अगर सेल्फ लगा रहेगा, सेल्फ्स लगा रहेगा, तो वो आपका इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। वो आपका कौन सा प्रोनाउन होगा जी, वो आपका इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। उसमें क्या लगा रहेगा, सेल्फ और सेल्फ्स, वो आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन होगा, क्लियर। देखते हैं यहां पे, तो सबका अपना अपना इम्फैटिक प्रोनाउन बना हुआ है। जैसे आई का इम्फैटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, दे का, वी का, है ना, इट का, सुनेंगे सबका इम्फैटिक प्रोनाउन बनाना है। थोड़ा सा देखेंगे आप लोग यहां पे, देखिए सेल्फ कहां लगाए,
सेल्फ्स कहाँ लगाएं, ये जानना है हमको। सेल्फ कहाँ लगाएं और सेल्फ्स कहाँ लगाएं, ये हमको जानना है। सुनेंगे, सेल्फ लगाना है सेल्फ और सेल्फ्स लगाना है सेल्फ्स। एक वर्ड आपका है सेल्फ और एक वर्ड आपका है सेल्फ्स। तो सेल्फ कहाँ लगाएं और सेल्फ्स कहाँ लगाएं, ये जानेंगे सुनेंगे। सेल्फ जहां पे वन का सेंस हो, कितना का सेंस हो जी, वन का। जहां पे वन का सेंस रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल्फ। हाँ, जहां पे एक का सेंस हो, वन का सेंस हो, वहां पे क्या लगाएंगे, सेल्फ। क्लियर, वन का सेंस रहेगा। और जहां पे मोर देन वन आवे, जहां पे मोर देन वन आएगा वहां पे सेल्फ्स लगाएंगे। वहां पे क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे, सेल्फ्स। ठीक है, हाँ, जहां पे मोर देन वन रहे, मोर देन वन रहे, एक से ज्यादा रहे, वहां पे क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा, कहां पे सेल्फ लगाएं और कहां पे सेल्फ्स लगाएं, देखते हैं। अच्छा, आई मींस मैं, कितना आदमी है भाई इसमें, एक आदमी है, एक का सेंस है, वन का सेंस है, तो क्या लगाएं, सेल्फ लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। यू कभी थोड़ा सा रुक जाइए, पर ये बताते हैं तब ये समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ की हर सेल्फ, क्या लगाएं, सेल्फ की सेल्फ, सेल्फ ना, शी मतलब वह, ही मतलब वह, कोई एक का सेंस आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर हर सेल्फ, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। यहां भी क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, है ना, एक का सेंस है तो हिम सेल्फ। क्लियर, दे, अब बारी है दे की। दे से कितना सेंस आ रहा है, वे लोग, बहुत सारा आदमी है, नहीं, तो वहां पर क्या लगाए, सेल्फ की सेल्फ, सेल्फ ना, हाँ, क्योंकि वन का सेंस नहीं है। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे, मोर देन वन के लिए क्या आएगा, सेल्फ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, देम सेल्फ। क्लियर, समझ में आ रहा है ना समझ में, आगे देखा जाए। अच्छा, वी का सेंस कैसा है जी, वी का सेंस कैसा है, बोलिए, वी मतलब हम लोग, बहुत सारा आदमी है ना, तो वन का तो सेंस है नहीं, है ना, तो क्या लगाएं, सेल्फ की सेल्फ, सेल्फ लगाएंगे, है ना, क्योंकि वी बोलेंगे तो हम लोग, बहुत सारा आदमी है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका आवर, आवर सेल्फ, क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, इट का कितना सेंस है, वन, है ना जी, इट का वन सेंस है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, इट सेल्फ की इट सेल्फ, इट सेल्फ ना, वन का सेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। ठीक है, अब समझ में आ रहा, अब हम लोग को इससे फायदा क्या है कि कभी हम लोग बोलेंगे देम सेल्फ की देम सेल्फ, गलत नहीं बोल सकते हैं। अब मालूम है दे में क्या एक का सेंस नहीं आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। ही है तो हिम सेल्फ बोले कि हिम सेल्फ बोले, है ना, तो हमको मालूम है ही का ए वन का सेंस है, तो क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। तो अब दिक्कत नहीं हो सकता है आपसे, ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आपको मालूम है, अपने से भी आप लिख सकते हो, है ना, भूलने का चांस आपको नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो अब यू को मैंने छोड़ा था, यू को, है ना, मैंने यू को छोड़ा था। देखिए, यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। हाँ, यू में सेल्फ भी लगेगा और सेल्फ भी लगेगा, क्यों पूछिए। हाँ, यू का दो सेंस आता है, दोनों सेंस आता है। अच्छा, मैं अगर बोलूं आप डॉक्टर हो तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। अच्छा, आप बोलेंगे कि आप लोग डॉक्टर हैं तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, यू आर डॉक्टर्स। तो वहां मैंने बोला था कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर कितना था वहां पर, एक, तो क्या लगाएं, यू। और अब क्या बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हैं, तो अभी भी तो यू ए लगा रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां पर दोनों आएगा। सेंस अगर एक का है तो आप योर सेल्फ लगाइए, सेंस अगर एक से ज्यादा का है तो योर सेल्फ लगाइए। क्लियर, हाँ, अब तो लग रहा है क्लियर है, नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बनाना सिखा दिया आप लोगों को, कहां पे सेल्फ लगेगा और कहां पे सेल्फ लगेगा, अब आप जान गए हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
आगे देखा जाए। देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन तो आप सीख गए हैं कैसा होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन पहचानना भी आ गया है और आपको बनाना भी आ गया है ना। अब कुछ सेंटेंस में यूज करके बताते हैं, है ना, सेंटेंस में यूज करके बताते हैं तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए आई माई सेल्फ किल्ड ए टाइगर। आई माई सेल्फ किल्ड ए टाइगर। I killed a tiger myself। इसमें बोलना ये चाह रहा है कि मैंने बाघ को खुद मारा है, स्वयं मारा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। आपने myself यहां लगाया, आपको इतना मालूम है कि ये emphatic pronoun है, यह भी myself है, सेंटेंस सेम ही लग रहा है, इसका दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों ये बोलना चाह रहा है कि मैं बाघ को खुद मारा हूं, स्वयं मारा हूं, मैं ही मारा हूं, है ना, ये बोलना चाह रहा है। तो अब आपको जानना ये है, यहां आई सब्जेक्ट है, बाघ को कौन मार रहा है, सब्जेक्ट आई मारा, आई सब्जेक्ट, और मार क्या रहा है, टाइगर, तो टाइगर ऑब्जेक्ट। तो इंफेटिक प्रोनाउन का आने का पोजिशन है या तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। एक बार फिर से, इंफेटिक प्रोनाउन को आने का उसका पोजीशन है या तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो यहां पे आई सब्जेक्ट है, इसके बाद आया है तो ये इंफेटिक प्रोनाउन, और यहां ए टाइगर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आया है फिर भी इम्फैटिक प्रोनाउन। तो आप समझ गए ना, हम यहां पर माई सेल्फ रखें या यहां रखें, बात वही है, सेम मीनिंग है और ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्लियर, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक बात फिक्स है कि इम्फैटिक प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन से बना है इम्फैटिक प्रोनाउन, वो उसका जो फॉर्म है वो फिक्स है, इम्फैटिक फॉर्म, जैसे कि आई का myself, ही का himself, दे का themselves, ये फिक्स है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। आई का जब भी होगा तो myself ही होगा, है ना। कुछ सेंटेंस देखिए आप लोग, आई myself किल्ड ए टाइगर। सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है जी, बोलिए राइट कि रॉन्ग। हाँ, माइंड सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ कुछ होता ही नहीं है, माई सेल्फ होता है, माइंड सेल्फ क्या है, रॉन्ग है। अच्छा आप देखिए, तो राम मोहन हर सेल्फ, मोहन हर सेल्फ किल्ड ए टाइगर, ये कैसा है जी, सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, बोलिए राइट कि रॉन्ग बताइए। हाँ, सेंटेंस रॉन्ग है, मोहन ये बॉय कोई होगा तो बॉय के लिए ही किसी ही ना, और जब ही रहेगा तो हिमसेल्फ की हर सेल्फ, हिमसेल्फ की हर सेल्फ, हिमसेल्फ ना, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो समझ में आ गया ना, सबका अपना अपना इम्फैटिक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, सबका अपना अपना इम्फैटिक फॉर्म बना हुआ है। आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, मैंने लिख भी दिया है और सिखा भी दिया है, कैसे बनेगा समझा भी दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए इसी का एक भाई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखते हैं उसको भी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिफ्लेक्शन याद आ गया मुझे। हाँ देखिए, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, एक मिरर हुआ करता था, हाँ, फॉक्स मारा उस पर, है ना, टॉर्च का, तो जो उसका लाइट है इस पर आया और रिटर्न इसी पर चला गया, रिटर्न बैक हो गया, है ना, रिटर्न हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बैक हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, टॉर्च ही है ना जी, है ना, और ये जो एक्शन क्या किया,
एक्शन क्या क्या कि फॉक्स को मारा, फॉक्स मारा, और फॉक्स जो इस जो एक्शन किया फॉक्स मारने का, रिटर्न इसी पे आ गया, टॉर्च पर ही आ गया ना, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग, देखिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मैंने खुद को धोखा दिया, मैंने खुद को धोखा दिया। धोखा देने वाला कौन? मैं। धोखा किसको दे रहा हूँ? अपने आप को। नहीं तो सब्जेक्ट भी आप ही हैं और धोखा भी अपने आप को दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वहां पे इम्फेटिक प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था? आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड ए टाइगर माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ किल्ड ए टाइगर, है ना, दोनों जगह सही है ना, माई सेल्फ वहां भी आ सकता है और वहां भी, लेकिन वहां पर आपने बाघ को मारा, आपने एक्शन किया, एक्शन क्या किया? बाघ को मारने का। तो आपके एक्शन से बेचारा बाघ अफेक्टेड है, आप नहीं मरे हैं, आपने बाघ को मारा, आपके एक्शन से बेचारा बाघ अफेक्टेड है, लेकिन यहां पर आपने क्या बोला कि मैं खुद को धोखा दिया, मैंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, है ना, कुल्हाड़ी मारने वाला कौन? आप। पांव किसका? आपका। एक्शन कौन किया? आप किए, है ना। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर है। अच्छा हमको ये बताइए, तो वहां पे आपने देखा था आई किल्ड ए टाइगर माई सेल्फ, है ना, तो आपने जो एक्शन किया आपके एक्शन से बेचारा बाघ अफेक्टेड है, आप अफेक्टेड नहीं है, है ना, आपने एक्शन किया बाघ मर गया, नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक्शन करेंगे आप और आप पर ही वो एक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। और इसका भी सेम एग्जाम्पल है, इसका भी सेम एग्जाम्पल होगा, बोलिए तो क्या होगा? इसका सेम एग्जाम्पल इसका भी हो जाएगा, आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ, इट इज सी, हाँ इट इज सी, तो आप बोलिएगा ना। अच्छा ये बताइए, इम्फेटिक में भी यही एग्जाम्पल था, रिफ्लेक्सिव में भी यही है, तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कहां पर ये वर्ड इम्फेटिक प्रोनाउन है और कहां पे ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? हम कैसे पहचानेंगे कहां पर ये वर्ड इम्फेटिक प्रोनाउन है और कहां पे ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे पहचानेंगे? सवाल तो है, हाँ दम है सवाल में, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, देखा चाहे, चलिए देखते हैं इसमें भी आगे हम लोग। देखिए मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो आप एक्शन करेंगे वो आप पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं आप लोगों को, देखा जाए। आई हर्ट माई सेल्फ। चलिए देखिए, अभी मैं अगर आपसे पूछूं यहां पे माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे कि इम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है। चलिए मैं बताता हूं, इम्फेटिक में इम्फेटिक का जो फॉर्म है सेल्फ वाला और सेल्फ्स वाला, वो सब्जेक्ट के बाद आया करता था, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आया करता था, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका आने का पोजीशन है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद, किसके बाद? वर्ब के बाद। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव फॉर्म का आने का पोजीशन है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, है ना। और इम्फेटिक में कहा था तो आफ्टर सब्जेक्ट, नहीं तो आफ्टर ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, तो पहचान लेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब तो इजी लग रहा होगा, लग रहा ना, चलिए देखते हैं, बातें करते हैं आसमानों की और उड़ानों की, है ना। देखा चाय, ये हर्ट मिस क्या होता है? बोली क्या होता है? चोट पहुंचाना ना, हाँ, तो ये वर्ब हो गया ना, एक्शन कर रहा है चोट पहुंचाने का। इसके बाद आया है,
तो आफ्टर वर्ब आएगा तो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। पहचान में आ रहा है? आ रहा है ना पहचान में? एक और एग्जांपल देखिए, वी हेल्प्ड, वी हेल्प्ड आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। हम लोग कभी बोलते हैं हम लोगों ने खुद की मदद की। मदद करने वाला कौन? हम लोग। मदद किसका कर रहे हैं भाई? तो खुद का ही कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो वी का क्या होता है? आवर सेल्फ्स होता है और हेल्प वर्ब है। वर्ब के बाद आएगा तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहचानने आ गया ना? अब तो इजी है, अब तो इजी है ना? पहचानने आ रहा है ना? आफ्टर वर्ब आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा एक क्वेश्चन, एक मिनट। आई माई सेल्फ रूट अ लेटर। मैंने खुद एक पत्र लिखा। अब बताइए तो यहां पर माई सेल्फ क्या है? हाँ बताइए, बताइए। आप यही ना बताएंगे, आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आएगा तो इंफेटिक प्रोनाउन और वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये किसके बाद आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। हाँ तो सही तो है, ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? बोलिए। हाँ इंफेटिक प्रोनाउन ये वाला हो जाएगा। आई माई सेल्फ रोट अ लेटर, ये इंफेटिक प्रोनाउन हो जाएगा और आफ्टर वर्ब आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? हाँ जी देखा जाए, थोड़ा सा देखा जाए, कुछ और इसमें समझिए आप लोग। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है जी? आई और वी। हाँ फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। क्लियर? आई और वी। और देखा जाए सेकेंड पर्सन में क्या होता है जी? तो यू होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू। क्लियर? थर्ड पर्सन में जो बच गया, जैसे कि आपका ही हो गया, शी हो गया, है ना, दे हो गया, ठीक है। देखिए तो ये आपका आई भी आपका फर्स्ट पर्सन है। आई भी क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है, है ना। तो फर्स्ट पर्सन की पोजिटिव। हाँ चलिए देखेंगे तो सेकंड पर्सन का भी सेम है। सेकंड पर्सन में भी यू का जो पोजेसिव जो एडजेक्टिव होगा, यू का आपका जो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? यू का योर। जैसे कि आई का मी, माई माइंड, यू का योर, योर्स होता है ना जी। तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स। क्या लगाते हैं जी? सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है। तो हो गया ना योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस? देम, है ना। तो लगाइए ना, लगाइए हिम सेल्फ। हर का क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पर्सन ही है, सी है, दे है, इसके ऑब्जेक्टिव केस में जाकर हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, है ना। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो देखने के बाद आप लोग लाइक या शेयर करते रहेंगे ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। और जो भी प्रीवियस जो मेरा वीडियो है वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और क्लिक करेंगे, वो आपका आ जाएगा। और जो न्यू जो होंगे जो, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको मेरा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो ठीक है, और थैंक यू सो मच, बाय।